हेलो एंड नमस्कार। सोलर एक्लिप्स का क्या मीनिंग है स्पिरिचुअली? स्पिरिचुअली सोलर एक्लिप्स और साथ ही साथ आपका जो सोल पर्जिंग है इसका क्या मीनिंग है, परीक्षा का सवाल है। वो यही कहते हैं कि इस जर्नी में जो आपके इमोशंस हैं, इमोशंस कैसे, जो कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो इनका अपसर्ज होता है बहुत ही हायर उसमें लेवल पर। अपसर्ज मीन्स वो एकदम से वो बातें एकदम उस पर आ जाती हैं, लेवल पर, हायर लेवल पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंडफुल एक्सरसाइज करते रहें, थॉट्स के साथ, अपने वर्ड्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ। जितना ज़्यादा आप अपने यूनिवर्स के साथ अलाइन होते चले जाएंगे, यही चीज़ जो है आपके सोलर एक्लिप्स के टाइम में अच्छी चीज़ बनती चली जाएगी, आपके अच्छे गुड कर्मास बनते चले जाएंगे। तो क्या सोलर एक्लिप्स वाकई बहुत अच्छा है? सोलर एक्लिप्स एक्चुअली कुछ बुरा नहीं होता है, ये अच्छा ही इवेंट होता है, खगोलीय घटना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये हमारे लिए बैड लक ना लेकर आए। कैसे लाएगा? वो हमारे थॉट्स के कारण ही होगा। तो सोलर एक्लिप्स जो है हम सबके लिए, सभी जोडिक साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अलग अलग वार्निंग साइंस भी देता है किसी किसी को, और किसी के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट भी देता है, क्योंकि ये तुला राशि में जा रहा है, यानी कि लिब्रा में है, और साथ ही साथ अमावस्या भी है। तो इस एक्लिप्स में किस तरह का रहेगा, क्या कहते हैं इसे, एक्चुअली स्वर भानु कहा जाता है, संस्कृत में स्वर भानु कहा जाता है। इसका मतलब होता है यही कि इट्स एन असुरा ट्रेडिशनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर एक्लिप्स इन वैदिक मैथोलॉजी। वैदिक संस्कृति में इस तरह से माना जाता है कि असुरों ने जो है इस तरह से जो अमृतपान कर लिया था, इस वजह से ये सोलर एक्लिप्स माना जाता है, जिसमें कि राहु और केतु का जो वो है असर है, वो मिथोलॉजी में, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी माना जाता है। सोलर एक्लिप्स जो है साथ ही साथ लूनर एक्लिप्स भी इन्हीं राहु केतु के वजह से बनते हैं, ये छाया ग्रह है। तो सोल पर्ज का एक्चुअली क्या मीनिंग है? तो वर्ड पर्जिंग लिटरली मीन्स क्लिंजिंग, क्लिंजिंग और या फिर प्योरिफिकेशन, जो कि एग्जैक्टली आपके स्पिरिचुअल सेंस में होता है। वैसे तो पर्जिंग फिजिकल सेंस में भी होता है, वो हर कोई कर नहीं सकता और नहीं जानना चाहता है। स्पिरिचुअली आपका सोल पर्जिंग का मतलब है कि आपके अंदर से जितने भी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस जो आपको सर्व नहीं करते हैं बेटर वे में, उन सबको बाहर निकालना, ताकि आपका इनर एसेंस जागृत हो सके। तो वट इज़ पर्ज इन सिंपल वर्ड्स? और इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ योर इम्प्योर डिज़ायर, मतलब कि क्लींस करना है, प्योरीफाई करता है चले जाना है अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को। अभी भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है और कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें या फीस स्ट्रक्चर वगैरह जाने। तो इमोशनल पर्ज क्या होता है, आगे हम ये बात करते हैं। इमोशनल पर्जिंग क्या है? इमोशनल पर्जिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि आप एलिमिनेट करते हैं अपने उन नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस को जो कि आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे हैं। किसी ने कुछ कहा और आप दिमाग में लेके घूम ही रहे हैं, उसको आपने क्या करना है, बाहर निकालना है। चाहे वो पेन है, फियर है, पिटीनेस है, एंगर है या शेम है। शेम के कारण ही क्या आता है, गिल्ट आ जाता है। तो क्या चार तरीके हैं जिससे कि इमोशनली आप अपने सभी चीज़ों को डिटॉक्स कर सकते हैं इस सोलर एक्लिप्स में या अमावस्या के दिन में 14th of October को? इसमें यही है कि अपने सेल्फ केयर पर पूरा ध्यान दें। सेल्फ केयर आपकी बॉडी भी हो सकती है, बॉडीली, इमोशनली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। तो इसीलिए कह रही थी मैं कि माइंडफुल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये आपके पूरे ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है उसको निखारेगा। माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि चेंज योर होम एनवायरनमेंट। आपके घर का वातावरण किस तरह का है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे दूसरा तो चेंज ही नहीं होता, वो तो कार्मिक है और ये, दूसरों को जाने दीजिए। आप अपने लिए अपने रूम को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से सजा के रखते हैं और किस तरह से अपने वार्डरोब को सजाते हैं, है ना, या फिर आपके जो ड्रॉअर्स हैं उन ड्रॉअर्स में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से सजी हुई हैं। तीसरी बात यही है कि आप जो भी आपके पास्ट की बातें हैं या ट्रॉमाज हैं उसको आप रिलीज़ करें योगा मेडिटेशन के थ्रू। तो ये मेडिटेशन के थ्रू आपके जितने भी ट्रॉमास हैं वो निकल सकते हैं, जर्नल राइटिंग के थ्रू भी। और चौथी बात, वर्क विद ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। या तो एंग्जाइटी वगैरह कुछ ज़्यादा ही है तो आप किसी को दिखा सकते हैं, किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से भी काउंसलिंग ले सकते हैं। ये सब क्यों करना है? ताकि आपका सोल इवॉल्व हो सके, आपके कर्मास अच्छे बन सकें।
ठीक है। तो ये जो सोलर है एक्लिप्स है ये एक्चुअली लिब्रा में आ रहा है, और ये लिब्रा यानी कि तुला राशि में है, जो कि आपके तुला एंड मेष सब कुछ तुला एंड मेष में आ रहा है। नेक्स्ट ईयर जो आएगा ना 2024 में वो भी आपका तुला में ही आएगा, एंड देन फिर मेष में, फिर तुला में, फिर मेष में, इस तरह से 2025 तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स होंगे या आपके जो डीप वूंड्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए हैं, ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज लेकर आने के लिए है कि आप नेगेटिव को रिलीज करेंगे और कुछ आगे नए को रिसीव करेंगे। तो जितना भी आपका राहु केतु के एंडिंग वाला या राहु केतु वाला आपका फेज चल रहा है, सम टाइम हो सकता है कि आपके राहु महादशा ही चल रही हो और उस पर ये एक्लिप्स जो है वो बॉम्बार्डिंग कर रहा हो नेगेटिव चीज़ों की। तो इसलिए फ्यूचर में ध्यान रखिए कि आपके न्यू इवेंट्स क्या आ रहे हैं, न्यू इवेंट्स आने से पहले या कुछ नया, अब जैसे नवरात्रि भी आ रही है जस्ट, है ना, इसके तुरंत बाद 15th से, तो क्या है कुछ नया शुरू होगा। तो नया शुरू किससे, आपके रिलेशनशिप में भी, आपका रिलेशनशिप सबसे पहले आपके अपने साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने लिए बनानी ज़रूरी है, अपने आप से हार्मोनाइज रिलेशनशिप में आए, उसके बाद ही किसी और के साथ आपका बन सकता है। आपके मन में जितना भी तरह का गिल्ट है या शेम है वो आपके अंदर की इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को प्योरिटी कल्चर में आपने बदलना है। एक तरह से आप ये कीजिए, इसको नाम दे सकते हैं प्योरिटी कल्चर, ये आपका रिचुअल, ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी में भी सोल पर्जिंग पर्जिंग होती है, जिसमें कि आप मुंह और नाक के थ्रू ये सारे अपने अंदर की गैस या फिर टॉक्सिसिटी बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इमोशनली एंड स्पिरिचुअली क्या है, ये यही है सोल पर्जिंग, कि आपके अंदर जो भी कुछ गंदगी इकट्ठी हो रखी है इमोशनली मेंटली, है ना, उन सब चीज़ों को योगा मेडिटेशन के थ्रू आप इसे बाहर निकालें, या जर्नल राइटिंग के थ्रू, बाकी जो मैंने चार तरीके बताए उन तरीक़ों से करें। देखिए कुछ भी अगर आपके अंदर कुछ डर है या एंग्जाइटी हो रही है ना, सबसे पहले अपने रूम को, अपने बेड को, अपने वार्डरोब को, अपने ड्रॉअर्स को साफ़ करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। एक एक इंच को साफ करके रखिए, करीने से रखिए, चाहे वो आपका मेकअप का सामान है, चाहे वो स्टेशनरी पेंसिल पेन वगैरह का सामान है, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए कि ढूंढना पड़े पेंसिल कहाँ है और पेन कहाँ है। तो इसीलिए हर चीज़ को करीने से सजा के रखें कि जब आपका हाथ जाए मुझे पेंसिल चाहिए तो तुरंत आप पेंसिल को उठा सकें, मुझे कार्ड चाहिए तो आप कार्ड से उठा सकें। इस तरह से अपने अपने रूम को मैनेज कीजिए, बाकी घर में अगर कुछ नेगेटिविटी है उनको रहने दीजिए। हम दूसरों को सुधार नहीं सकते, हम खुद को सुधार सकते हैं, वी कैन चेंज आवर सेल्फ। जैसे कि कल की वीडियो में भी कहा था, एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने रंग रूप, अपने बिहेवियर, अपने नाम, हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। आपके अंदर जितनी भी क्वालिफिकेशन है चाहे नहीं है, आप अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो भी आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि इट्स ओके। अब ब्लेम मत करें कि माता पिता ने पढ़ाया नहीं, या फिर कम पढ़े हैं तो फिर माता पिता ने इस स्कूल में नहीं जाने दिया, उस कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं लेने दिया, कोविड कॉलेज में नहीं जाने दिया, हम तो ऐसे ही रह गए, हम तो डफर ही रह गए, गर्ल्स 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 में ही रह गए, पता ही नहीं चल पाया कि क्या रिलेशनशिप रहता है, और फिर इसलिए हम हमारे रिलेशनशिप जो है जो अदर अपोजिट सेक्स होता है उसके साथ हमारा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग बांट दिया ना। इसीलिए तो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमन स्पीशीज जो है हम एक ही हैं, स्त्री और पुरुष, लेकिन अलग अलग कर करके क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि सामने वाले की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, और उसको भी पता नहीं चल पाता। इसलिए जब दो जनों की शादी होती है, मान लीजिए जो आपका हस्बैंड है वो बॉयज़ कॉलेज बॉयज़ स्टूडेंट्स उसी में ही रहा हर तरह से स्टूडेंटशिप में या आपके ट्यूशन में भी, और आपका भी इसी तरह से रहा। अब जब दोनों की शादी होती है तो समझ नहीं आता कि इस औरत के साथ कैसे बिहेव करें, आपको समझ नहीं आता आदमी के साथ कैसे बिहेव किया जाए, ये क्या सुन रहे हैं समझ रहे हैं, है ना। तो फिर से आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, और अगर हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सेलेस्टियल भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी, टैरो भी, इमोशनली भी, और साइकोलॉजिकली भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो यस, आज की वीडियो में यही था कि सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है, अमावस्या भी आ रही है, और इस समय में सोल पर्जिंग आपकी चलेगी बहुत ही स्ट्रांगली। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें अपने इमोशंस का, सबसे पहले जो तरीके बताएं वो करें, उसके बाद से नया जीवन फिर से शुरू होगा, यानी कि 15th October से आपका ये घट स्थापना हो जाएगी। अगर आप जानते हैं नवरात्रि के बारे में तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इट्स ओके, लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर ही आएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।